बॉलीवुड में आजकल ऐतिहासिक फिल्मन के दौर चल रहा बा। एक कड़ी में अब पानीपत के तीसरा युद्ध पर बनल 6 दिसंबर के रिलीज होके वाला ऐतिहासिक फिल्म पानीपत के स्टार कास्ट और फिल्म के निर्देशक फिल्म के प्रमोशन में लाग गेल बाड़न। फिल्म के स्क्रीनिंग के मौके पर पहुंचल फिल्म पानीपत के स्टार अर्जुन कपूर, कृति सेनन के संगे संगे फिल्म के प्रोड्यूसर सुनीता गोवारिकर फिल्म के बारे में ढेर सारी बात कहली। I welcome you all and thank you for being here. Actually, this time, the vision was shared with Vision World and Ashutosh. We put the numbers on the vision and helped to release it. So obviously, it's a full team that has done what they have. Of course, the captain is Ashutosh and the vision always begins like that. मैंने सिर्फ एक आदमी के साथ समय बिताया और जितना समय हो सका, जितनी बातचीत कर सका, जितना उनसे परख सका, जितना मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, आई अब्सॉर्ब फ्रॉम हिम बिकॉज हिस्ट्री ऑफ दिस टाइम इज वेरी वास्ट। आई डिडंट वांट टू गेट कंफ्यूज्ड, आई फोकस्ड ऑन माय कैरेक्टर बिकॉज सदाशिव राव भाऊ, लाइक यू सेड, जब एक बायोपिक, ये तो खैर एक जंग की फिल्म है। आई ट्रीटेड इट लाइक ओके, आई विल डू जस्टिस टू माई कैरेक्टर बिकॉज देर इज अ कैप्टन हु विल टेक केयर ऑफ द वर्ल्ड, हु विल टेक केयर ऑफ द स्टोरी। I tried to focus on what he wanted, what his interpretation from the history was that Sadashiv Rao Bhau was. He was eventually a warrior. He was eventually somebody who was a leader with a certain amount of silent resilience. He was somebody who believed that this is what he was meant to live for and die for. Hamari case mein double dose ye hai ki is film mein jo generation hai, Sadashiv Rao Bhau ka jo kirdar hai, ye Baji Rao ka next generation hai. बाजीराव और चिमाजी अप्पा है, दोनों भाई थे। चिमाजी अप्पा का बेटा सदाशिव राव भाऊ है, तो 20 साल के बाद की कहानी है ये। तो जाहिर है कपड़े पहनावा, उनका जो घर है शनिवार वाड़ा, वो वही होगा। तो इट्स ऑटोमेटिक, इट्स नेचुरल दैट यू विल फील कि दिस इज अ कंपैरिजन। एंड मैं कहता हूँ कंपैरिजन अगर है तो अच्छी बात है, क्योंकि बाजीराव बहुत अच्छी थी, तो इट्स अ गुड थिंग दैट वी एटलीस्ट वी हैव अ गुड कंपैरिजन। आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर एंड आई फील लाइक ही इज द वन हूज who has the vision, who's directing the film, who's showing you the film. So his directions is what is my history. Like, I have to follow only that. Yes, because there is Marathi flavor in it. वो मैं महाराष्ट्र नहीं हूँ, मैं पंजाबी हूँ, तो मुझे ये समझना था कि अगर मैं मराठी प्ले कर रही हूँ तो मैं मराठी दिखनी चाहिए हूँ। जब मैं चल रही हूँ मेरी बॉडी लैंग्वेज जो है वो उनकी तरह होनी चाहिए। जब मैं मराठी बोल रही हूँ तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं पहली बार बोल रही हूँ, मैं बोलती आ रही हूँ। ये जैसे मुझे हो रहा था कि और डाल दूँ, और बोल लूँ, तो मैं हर डायलॉग के आगे पीछे ना सर को बोलती थी, सर ये इसमें इसको क्या बोलते हैं मराठी में, एंड आई यूज टू एड इट, एंड बाय द एंड ही वाज लाइक, तू सबसे ज़्यादा मराठी बोल रही है पूरी फिल्म में और तुझे मराठी नहीं आती। ये वीडियो के लाइक करें और भी आवे वाला मज़ेदार वीडियो देखे खातिर 10@10 Talkies के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।